So hey guys, welcome back to our channel, that is BSCM by Paras Khatri. The topic which we are discussing today is of class 10 history chapter number 3, that is the making of global world. So the making of global world se connection hai globalization ka. This means ki globalization mein jaisa ki humne samjha ki globalization is ki when world economy becomes one, theek hai, ki jab puri economy, pure world ki economy ek hi ban jati hai, to use globalization hote hai. To yaha making of global world ka matlab hai ki dekho ye sabhi deshon ne jab aapas mein ek dusre se business karna, ek dusre ke sath dealing karna, ek dusre ke desh mein jaake kaam karna, theek hai, ek dusre ko technology, investment sab kuch share karna, ekdam se to shuru nahi kar diya hoga. ठीक है, तो बहुत सारे टाइम्स रहे होंगे, एंशियंट टाइम रहा होगा, फिर 90s का टाइम रहा होगा, 1800s का टाइम रहा होगा, तो ऐसे टाइम्स रहे होंगे. तो अलग अलग टाइम में किस तरीके से कंट्रीज के बीच में बिजनेसेस रहे, कंट्रीज के बीच में किस तरीके से लेन देन रहा, तो उस सबको समझना जो है वो इस चैप्टर के अंदर होगा कि किस तरीके से एक वर्ल्ड ग्लोबल वर्ल्ड बना. ठीक है, आज का जो हमारा वर्ल्ड है, टुडेज वर्ल्ड, मॉडर्न वर्ल्ड जो है वो एक ग्लोबल वर्ल्ड है. तो ग्लोबल वर्ल्ड किस तरीके से बन पाया, उस चीज को इस चैप्टर के अंदर हम समझेंगे. तो सबसे पहले इसके अंदर बात करते हैं कि हमारा जो ओवरऑल वर्ल्ड है वो चार पार्ट्स में डिवाइडेड है. तो चार पार्ट्स में किस तरीके से डिवाइडेड है कि एक तो सबसे पहले जो पार्ट है वो है एंशियंट वर्ल्ड, जिसको हम बोलते हैं एंशियंट टाइम्स. ठीक है, एंशियंट टाइम किसको बोलते हैं, तो 1800s से पीछे का जो टाइम था उसको एंशियंट टाइम बोलते थे. एंशियंट इसलिए बोलते थे क्योंकि उस टाइम तक कोई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, कोई नए तरीके की आप कह सकते हो कि टेक्निक्स, ठीक है, इवन करेंसी, तो किसी भी चीज का कुछ यूज नहीं होता था. ठीक है, तो पुराने तरीके से, पुराने हिसाब किताब से जब कुछ चलता रहा तो वो एंशियंट टाइम था. दूसरा टाइम है 19th सेंचुरी का टाइम, यानी कि आपका 1815 से लेकर के 1914 तक के बीच में. 1914 क्यों बोल रहे हैं, 15 ही बोल देते, क्योंकि 14 से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था. तो ये जो वर्ल्ड वॉर्स हुए उसके बाद से लेकर के वर्ल्ड के अंदर थोड़े से चेंजेस आने लगे, ग्लोबली बहुत सारी चेंजेस दिखने लगे. तो इसलिए 1914 तक लगभग पूरे 100 साल का जो ये एक एरा है इसको बोलते हैं क्या, 19th सेंचुरी एरा. फिर दोनों वर्ल्ड वॉर्स के बीच का जो टाइम है वो उसको इंटर वॉर जो है वो इकोनॉमी बोलते हैं. इंटर वॉर इकोनॉमी मतलब कि 19 आप कह सकते हो कि 1914 से लेकर के 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला, फिर 1918 से लेकर के 45 तक का बीच का जो हिस्सा था, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर फिर 1939 के अंदर शुरू हुआ. तो ये 1914 से लेकर के 45 तक का जो बीच का हिस्सा है, इस सबको बोलते हैं क्या, इंटर वॉर इकोनॉमी. ठीक है, जब वॉर के बीच में जो है वो जो कुछ चल रहा था विश्व के अंदर. और फिर उसके बाद में सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुआ 1945 के बीच में, तो तब से लेकर के अब तक क्या है, द पोस्ट वॉर एरा. ठीक है, पोस्ट वॉर एरा मतलब वॉर खत्म होने के बाद का एरा, बाद का जो सारा समय है इसको मॉडर्न एरा भी बोलते हैं. ठीक है, तो ये सब कुछ है, इसको एक एक करके आराम से समझेंगे. सबसे पहले एंशियंट टाइम्स की अगर हम बात करें, तो एंशियंट टाइम्स के अंदर क्या था, ट्रैवलर्स, ट्रेडर्स, चाहे प्राइस्ट हो, चाहे पिलग्रिम्स हो, वो ट्रैवल करते थे बहुत बहुत डिस्टेंसेस. ठीक है, ट्रैवलर्स आप जानते हो जो घूमते हैं. ठीक है, ट्रेडर्स व्यापारी, बिजनेस करने वाले, प्रीस्ट यानी कि जो शिक्षा देते हैं. ठीक है, पंडित या गुरु जो है वो प्रीस्ट हुए. ठीक है, पिलग्रिम्स मतलब श्रद्धालु. तो ये सभी लोग जो है वो मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह पे बहुत लंबा लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करते थे, किसके लिए, नॉलेज के लिए. ठीक है, ताकि वो नॉलेज गेन कर सके, अपॉर्चुनिटीज गेन कर सके, नई नई अपॉर्चुनिटीज बिजनेस की हो चाहे सीखने की हो ले सके. ठीक है, फिर इसके अलावा स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट के लिए, अब सुना होगा ना सब संत महात्मा जो है वो घर छोड़ के चले जाते हैं और फिर जाकर के भक्ति करते हैं दूर जाकर के घर के परिवार से. तो घर के साथ क्यों नहीं कर रहे थे, बिकॉज घर के साथ में भक्ति करेंगे तो वो घर के ही जो बंदिशें हैं, घर की जो चीजें हैं उनके साथ ही बंद के रह जाएंगे. ठीक है, तो वो घर से दूर जाकर के स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट करने की कोशिश करते थे, जैसे अभी ये जाएगी. ठीक है, तो इस तरीके से करने की कोशिश करते. तो इसके अलावा टू एस्केप पर्सिक्यूशन मतलब क्या है, जो आपका आसपास का जो डायलमा है, जो माया है, जैसे माया बोलते हैं, जो इल्यूजन है. ठीक है, ये जो वर्ल्ड है इस सब से दूर जाने के लिए जो है वो लोग बहुत बहुत ट्रैवल करते थे. इसके अलावा वो साथ में गुड्स, मनी, वैल्यूज, स्किल, आइडियाज और इवन जर्म्स और डिजीजेस भी साथ में इधर उधर लेके जाते थे. ठीक है ना, अब जैसे एग्जाम्पल के लिए, जैसे अभी 2020 में कोरोना आया. ठीक है ना, इसी तरीके से आपने सुना होगा कि 1918-1919 के अंदर भी एक बीमारी आई थी, प्लेग. ठीक है ना, तो वो भी उसी तरीके से महामारी थी. सेम जैसे इसके अंदर लोग बहुत परेशान रहे, बहुत लोग मरे, वैसे ही उसके अंदर हुआ था. बस उसमें इसमें फर्क ये है कि भाई इसके टाइम तक टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुकी थी. है ना, तो लोगों का क्या था कि लोगों ने अपने आप को संभाल लिया, वैक्सीन बन गई, लोगों ने लगा ली, तो महामारी जल्द सस्ते में निपट गई. उस टाइम पे जब आई थी तो उस टाइम की पॉपुलेशन के हिसाब से कम 10% पॉपुलेशन खत्म हो गई थी.
ठीक है ना, 10% पॉपुलेशन का अगर आज हिसाब लगाए तो समझते हो कितना, मतलब पूरे वर्ल्ड का लगभग 70-80 करोड़ लोग मर जाए, ठीक है ना। तो उस तरीके से जो है वो होना, तो वो चीज जो है वो अब नहीं हो पाई, नहीं हुई, अच्छी चीजें नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि अब की जो टेक्नोलॉजी है वो तब से बहुत बेटर है। इसके अलावा अर्ली 3000 BCE के अंदर एक एक्टिव कोस्टल ट्रेड लिंक जो है वो हुआ था इंदू वैली सिविलाइजेशन और आज का जिसको हम वेस्ट एशिया बोलते हैं। तो क्या हो रहा था कि पहले के टाइम पे भी ट्रेड्स हुआ करते थे, ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड्स हुआ करते थे एक कंट्री और दूसरी कंट्री के बीच में। तो ऐसा ही एक ट्रेड किसके बीच में हुआ था? इंदू वैली सिविलाइजेशन और वेस्ट की तरफ में। वेस्ट किसको बोलते हैं? जब भी अभी इस पूरे चैप्टर में वेस्ट की बात करूंगा तो आई मीन अमेरिका, ठीक है, यूएसए की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो वेस्ट यूएसए को बोलते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज सुना होगा ना, तो जो है वो मतलब की यूएसए को बोलते हैं। तो यूएसए और इंदूस वैली सिविलाइजेशन यानी कि इंडिया, इंडिया वाला हिस्सा ही तो है इंदू वैली सिविलाइजेशन, तो इनके बीच में जो वो एक कोस्टल डील हुई थी सामान को लेने खरीदने के लिए। इसके अलावा सिल्क रूट जो वो लिंक किया उसने चाइना और वेस्ट को, वही वेस्ट, ठीक है ना, अमेरिका। तो चाइना और अमेरिका को लिंक करने वाला रूट कौन सा था? सिल्क रूट। अब ये सिल्क रूट आपने बहुत सुना होगा, इसका मतलब क्या होता है? इसे सिल्क रूट क्यों बोलते हैं? ऐसा होता है कि ना, पहली बात तो कुछ ऐसे रास्ते, समुद्री रास्ते, जिनसे एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाना आना बहुत आसान हो जाए और बिजनेस बहुत तेजी से होने लगे, तो उसको सिल्क रूट बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अब इसका नाम सिल्क रूट ही क्यों पड़ा? कुछ और बोल देते, एक्सप्रेस रूट बोल देते, बिजनेस रूट बोल देते, सिल्क रूट क्यों बोला? क्योंकि सबसे पहले और सबसे ज्यादा जो इसमें ट्रांसपोर्टेशन और बिजनेस हुआ वो सिल्क का ही हुआ, ठीक है, इसीलिए इसको सिल्क रूट बोलते हैं। इसके अलावा फूड जो है वो ट्रेवल किया अमेरिका से यूरोप के अंदर फिर एशिया के अंदर। अब आज के टाइम पे आप जितना भी दूसरी चीजें खाते हैं, जो मतलब हमारे घर की दाल रोटी से हटके जो भी चीजें आप खाते हैं, आप कभी गौर करो और चेक करो कि कहाँ की है वो, तो यू विल फाइंड कि वो या तो अमेरिका की फाइंड थी या वो चाइना की फाइंड थी, वो बस घूमते फिराते इंडिया में आ गई, है ना। तो इस तरीके से जो है वो ये जो फूड होते हैं वो ट्रेवल करते हैं डिफरेंट डिफरेंट लोकेलिटीज में, ठीक है। इसके अलावा जैसे नूडल है, नूडल ऑथेंटिकली चाइनीज है, ठीक है ना, पर वो जब इटली गए तो उन्होंने उसका नाम चेंज कर दिया, उसको स्पैगेटी बोल दिया, ठीक है। तो स्पैगेटी क्या होता है? तो स्पैगेटी बेसिकली ना, मतलब कि जैसे चाइनीज क्या करते हैं, चाइनीज तीखा करके खाते हैं नूडल्स को, चाइनीज वे ऑफ नूडल इज स्पाइसी, ठीक है, उसको स्पाइसी करके, ठीक है, उसके अंदर सॉसेस वगैरह सिरके विरके डाल के उसे बनाना। लेकिन जो इटली के लोग है वो उसको खाते हैं पास्ता के स्टाइल में। पास्ता कैसे बनता है? अब पास्ता वो वाला पास्ता नहीं जो आप घर में बनाते हो, ठीक है, पास्ता एक्चुअल में जो ऑथेंटिक पास्ता होता है जो इटली में बनता है, वो पास्ते के अंदर एक बूंद मिर्ची नहीं होती, ठीक है ना, उसके अंदर सीधा सीधा क्या होता है, उसके अंदर सीधा सीधा ग्रेवी होती है, वो भी किसकी, व्हाइट ग्रेवी होती है या फिर पिंक ग्रेवी होती है, ठीक है, मिक्स ग्रेवी होती है। ये जो रेड सॉस पास्ता है ना, ये इंडिया की ही देन है, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर तड़का लगा दो, ठीक है, तो रेड सॉस पास्ता बन गया। तो रेड सॉस पास्ता एक्चुअली मतलब पास्ता है ही नहीं है, ठीक है ना। तो जो ऑथेंटिक पास्ता या फिर मैक्रोनी बनती है वो मतलब की लाइट कलर्स में ही होती है, और वो लोग उसी जो ग्रेवी होती है जो हम उसके लिए बनाते हैं, व्हाइट सॉस ग्रेवी बनाते हैं उसके लिए पास्ता के लिए, उसी के अंदर जब आप नूडल्स डाल देते हो तो वो बन जाती है स्पैगेटी, ठीक है। तो स्पैगेटी इस तरीके से बनती है, होते नॉर्मल नूडल्स ही है। इसके अलावा यूरोपियंस जो है वो क्या हुआ, यूरोपियंस सबसे पहले जो ये स्मॉल पॉक्स है, स्मॉल पॉक्स को हमारे इंडिया में अलग से नाम दिया जाता है, छोटी माता, ठीक है। तो ये जो स्मॉल पॉक्स, हाँ एक्चुअल में ठीक है, तो चिकन पॉक्स बड़ी माता, ठीक है, स्मॉल पॉक्स छोटी माता। तो ये जो स्मॉल पॉक्स नाम है, ठीक है, ये बेसिकली क्या था, ये सबसे पहले बीमारी कहाँ से आई, ये यूरोपियन बीमारी थी, ठीक है, ये घूमती फिरती अमेरिका तक पहुंच गई, फिर अमेरिका से जो है वो कहाँ तक आ गई, इन एशिया तक आ गई, ठीक है, और फिर हमने इसे झाड़ फूक करके भगा दिया, ठीक है। तो इसीलिए जो है वो इस तरीके से जो है वो किस तरीके से आप समझ गए, तो इट इज ऑल अबाउट कि इसमें मैं समझाना क्या चाहता हूँ कि किस तरीके से बीमारियां भी फैलती है। तो ये जो मैंने आपको एंशियंट टाइम के बारे में जो कुछ भी बताया, इसके अंदर समझने की चीज ये है कि पहले के टाइम पे भी बिजनेस होता था, चीजें इधर से उधर आती जाती रहती थी। नेक्स्ट इज जो मैंने बोला था 19th सेंचुरी, मतलब 1815 से लेकर के 1914 तक का एरा। अब इस टाइम तक जो है वो एग्रीकल्चर इकोनॉमी डेवलप हो चुकी थी, एग्रीकल्चर इकोनॉमी मतलब कि सारी कंट्रीज जो है वो एग्रेरियन इकोनॉमी हो चुकी थी, स्पेशली इंडिया, इंडिया तो एग्रेरियन इकोनॉमी थी, तो एग्रेरियन हो चुकी थी और एग्रीकल्चर उनका मेजर बिजनेस बन चुका था। इसके अलावा जो फूड प्रोडक्शन था वो रशिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, यहां तक भी पहुंच चुका था ताकि ब्रिटिश डिमांड को पूरा कर सके।
इसके अलावा ब्रिटेन के अंदर कॉर्न लॉ इम्प्लीमेंट हो गया था, ठीक है, ये कॉर्न लॉ क्या था, तो कॉर्न लॉ जो है वो इम्प्लीमेंट हो गया था, फिर इंडस्ट्रियलिस्ट और अर्बन ड्वेलर्स ने फोर्स किया गवर्नमेंट को कि वो हटा दे। अब ये कॉर्न लॉ है क्या, तो कॉर्न लॉ जो है वो यूके की गवर्नमेंट ने लगाया था ताकि वो कॉर्न का इम्पोर्ट को रिस्ट्रिक्ट कर सके, ठीक है, मकई कौन जानता है ना, मकई, तो मकई के इम्पोर्ट को, आयात को वो बंद कर सके, उसके लिए उन्होंने कॉर्न लॉ बनाया था, ठीक है। लेकिन बाद में वहां के लोगों और वहां के जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनके प्रोटेस्ट की वजह से, उनके आंदोलनों की वजह से इसको बंद करना पड़ा, सरकार को इस लॉ को वापसी लेना पड़ा। इसके अलावा टेक्नोलॉजी एक देश से दूसरे देश जाने लगी, जैसे रेलवेज हो गया, स्टीम शिप्स हो गया, टेलीग्राफ, ठीक है, तो ये सब जो है वो एक देश से दूसरे देशों में आने जाने लगे। इसके अलावा यूरोपीय ने अफ्रीका और एशिया पर कब्जा कर लिया, आपको पता ही है कि एशिया के ऊपर और अफ्रीका के ऊपर भी, दोनों के ऊपर जो है वो कब्जा हो गया था, किसका, यूरोप का, ठीक है, मतलब कि ब्रिटेन और यूरोप का जो है वो कब्जा हो गया था। इसके अलावा मतलब कि इंडिया से सस्ती लेबर को दूसरी कंट्रीज में ले जाना शुरू का सिलसिला शुरू हो गया था, ठीक है, मतलब कि यहां से लोग आते थे, यहां पे लोग आते थे, यहां से लोगों को उठा के वहां पे लेके जाते थे, ठीक है, क्योंकि सस्ती लेबर थी। तो ये था आपका 19th सेंचुरी। अब बात करते हैं इंटर वॉर इकोनॉमी की। इंटर वॉर इकोनॉमी ने अभी आपको बताया था कि मतलब कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से लेकर के सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक के जो बीच का हिस्सा है उसको इंटर वॉर इकोनॉमी बोलते हैं। तो इसके अंदर क्या हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने जो है वो ट्रांसफॉर्म कर दिया यूएस को डेटर से क्रेडिटर में, ठीक है ना, मतलब पहले क्या था, यूएस डेटर था, डेटर मतलब कि सभी को जो है वो लाइक दिया करता था, ठीक है, पैसे वैसे दिया करता था, जिसको दिक्कत थी उसको दिया करता था, ठीक है ना। लेकिन इससे क्या हुआ, यूएस को बहुत नुकसान हुआ, ठीक है, और वो क्रेडिटर बन गया, यानी कि उसको खुद अब लोगों का पैसा देना था। वीट प्रोडक्शन यूरोप के अंदर मतलब कि बहुत कम हो गई, लेकिन कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में बहुत बढ़ गई इस पीरियड के अंदर। मास प्रोडक्शन हो गया, ठीक है, कंजम्पशन होने लगा, मास प्रोडक्शन होने लगा, ठीक है। जो इसके अलावा 1929 के अंदर यूएसए में आया ग्रेट डिप्रेशन, ठीक है, इसे महामंदी बोलते हैं, ठीक है, तो ग्रेट डिप्रेशन आया। तो ये ग्रेट डिप्रेशन जो है वो से पूरे वर्ल्ड पे असर पड़ा। अभी ग्रेट डिप्रेशन होता क्या है, सिंपल सी बात है, ऐसे समझिए, ये रिसेशन वर्ड तो आपने सुना होगा पहले कभी, रिसेशन आ गया है, मंदी आ गई है ना, तो रिसेशन से ही वर्ड बना है, मतलब कि ग्रेट डिप्रेशन, ठीक है। अब ये ग्रेट डिप्रेशन क्या था और रिसेशन क्या होता है उसको समझिए, सिंपल सी बात है, जब इकोनॉमी के अंदर लोग पैसा कमाए और उनको ऐसा लगे कि यार फ्यूचर में ना नौकरी चली जाएगी, ठीक है, उनको ऐसा लगे फ्यूचर में नौकरी चली जाएगी और वो सामान खरीदना बंद कर दें, तो होगा क्या, जब सामान नहीं बिकेंगे तो अल्टीमेटली उससे क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली फैक्ट्रियों का नुकसान होगा, फैक्ट्रीज का नुकसान होगा, तो वो प्रोडक्शन करने बंद कर देंगे, प्रोडक्शन करनी बंद करेंगे तो क्या होगा, नौकरियां जाएंगी, नौकरियां जाएंगी तो गरीबी आएगी, तो इसी को रिसेशन बोलते हैं। मतलब आसान भाषा में, जब फैक्ट्री में बन रहा माल बिकना बंद हो जाता है तो उसको रिसेशन बोलते हैं। और जब यही चीज लगातार 3 quarters तक चले, ठीक है, लगातार जब 3 quarters तक जब मतलब कि रिसेशन चलता रहे तो उसको क्या बोलते हैं, उसे डिप्रेशन बोलते हैं, ठीक है। तो यूएसए में द ग्रेट डिप्रेशन आया था 1929 के अंदर और इसने पूरे वर्ल्ड को असर किया था, ठीक है, क्योंकि नौकर है, क्वार्टर मतलब होता है 3 महीने, ठीक है, तो क्वार्टर देखो, जो मतलब कि जो शराबी लोग होते हैं वो क्वार्टर का मतलब अलग समझते हैं, लेकिन पढ़े लिखे लोगों का मतलब क्वार्टर से होता है 3 महीने, ठीक है, कि इस क्वार्टर में, उस क्वार्टर में, तो इसका मतलब 3 महीने से है, ठीक है, वेरी गुड, कीप इट अप। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा जो इंडिया का एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट है वो बहुत गिर गया, क्यों, क्योंकि जो पीजेंट्स थे उनका बहुत नुकसान हुआ इस सबसे, ठीक है, और जो इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट था वो अर्बन एरिया में बहुत बढ़ गया, ठीक है, क्योंकि अब लोगों ने कहा कि भाई अर्बन एरिया यानी कि फैक्ट्रीज में इन्वेस्ट करो, वहां पे ज्यादा पैसा है, तो लोगों ने खेती से पैसा निकाल करके अब मतलब कि अर्बन एरिया में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। अब बात करते हैं द पोस्ट वॉर एरा की। तो पोस्ट वॉर एरा मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर से बाद से लेकर के अब तक का जो एरा है, इसमें यूएसए और यूएसएसआर जो है वो इमर्ज हुई वर्ल्ड पावर में, ठीक है। अब यूएसए को तो आप जानते हो, ठीक है ना, ये यूएसएसआर क्या है, तो सोवियत संघ, ठीक है, जिसे सोवियत यूनियन बोलते हैं, ठीक है, तो ये वो है। तो ये सोवियत यूनियन क्या था, तो आज का जो रशिया है ना वो पहले के टाइम पे सोवियत यूनियन था, ठीक है। तो दो ही महाशक्ति होती थी पूरे वर्ल्ड में, दो महाशक्तियां होती थी, दो सुपर पावर होती थी, एक अमेरिका यानी यूएसए और एक यूएसएसआर यानी कि सोवियत यूनियन।
फिर क्या हुआ, धीरे धीरे सोवियत यूनियन खत्म होता चला गया, ठीक है, और खाली अमेरिका ही सुपर पावर बन गया। तो ये सब कुछ हुआ किसके दौरान, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में। इसके अलावा जो मतलब कि ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस के अंदर IMF और वर्ल्ड बैंक को एस्टेब्लिश किया गया। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि कौन से कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है वो IMF और वर्ल्ड बैंक बनाया गया था, तो उसका नाम क्या है, ब्रिटेन वुड, ठीक है। तो ब्रिटेन वुड जो कॉन्फ्रेंस थी उसके अंदर ये कॉन्फ्रेंस थी USA में, जहां पर ये डिसाइड किया गया कि पूरे वर्ल्ड के लिए एक IMF बनाने की जरूरत है, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और एक वर्ल्ड बैंक बनाने की जरूरत है जो पूरे वर्ल्ड को। देखो मैं आपको ना सिंपल सी चीज बताता हूँ, IMF और वर्ल्ड बैंक में क्या फर्क है। दोनों का काम यही होता है कि देशों को सहायता देना, देशों को मदद देना जब उनका बुरा समय चल रहा हो। लेकिन अब दोनों का एक ही काम है तो अलग अलग क्यों है। वर्ल्ड बैंक आपको लोन तब देता है जब आपका अच्छा समय चल रहा होता है, ठीक है। जैसे आपने बोला कि देखो हमारी कंट्री ऐसे ऐसे ग्रो कर रही है और इसी तरीके से हम और अच्छा ग्रो करना चाहते हैं, तो वर्ल्ड बैंक बोलेगा हाँ ठीक है मुझसे लोन ले जाओ, इतने पैसे दे रहा हूं, इतना इंटरेस्ट लगेगा, वापसी दे देना। पर IMF आपको तब लोन देता है जब आपकी हालत बहुत खराब होती है, ठीक है ना, जब आपकी कंट्री डूबने वाली होती है, आपकी कंट्री का दिखाई दे रहा है कि बुरा हाल है, तब आपको IMF मदद करता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। जैसे एग्जांपल के लिए आज अगर इंडिया को पैसे की जरूरत होगी तो वर्ल्ड बैंक से लेगा, लेकिन पाकिस्तान को जब भी पैसे की जरूरत होती है तो वो IMF के पास जाता है, ठीक है। तो यही फर्क है, समझ में आया। इसके अलावा डीकोलोनाइजेशन का मतलब क्या होता है, कॉलोनाइजेशन का मतलब होता है जब ब्रिटिशर्स ने हम पर राज किया, डीकोलोनाइजेशन का मतलब है जब ब्रिटिशर्स जो है वो भारत छोड़कर चले गए, तो डीकोलोनाइजेशन। तो इसी पीरियड में पोस्ट वॉर एरा के अंदर जो है वो डीकोलोनाइजेशन हुआ और जो है वो बहुत सारी एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज का इंडिपेंडेंस भी हो गया, आजादी मिल गई उन्हें। इसके अलावा G77 का जो है वो फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। G77 क्या है, जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज है उन्होंने एक न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर लाने के लिए जो है वो मतलब की एक सिस्टम बनाया जिसको G77 बोलते हैं। मतलब इसमें बहुत सारी कंट्रीज आकर के एक साथ जो है वो मतलब की करते हैं, ठीक है ना, मतलब की एक साथ बैठ करके कॉन्फ्रेंस करते हैं, ठीक है, जिसको G77 बोलते हैं। इसके अलावा ब्रिटेन वुड के एंड के साथ में ही जो है वो बिगिनिंग हुई MNCs की और ग्लोबलाइजेशन की। ग्लोबलाइजेशन आप जानते, बिगिनिंग मतलब शुरुआत, तो MNC आप जानते हो, पढ़ाया जा चुका है, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस, और ग्लोबलाइजेशन भी आपको पता ही है, ठीक है, ये बता दिया। इंडेंचर्ड लेबर्स क्या होते हैं, तो एक बॉन्डेड लेबर अंडर कॉन्ट्रैक्ट टू वर्क फॉर एन एम्प्लॉय फॉर अ पर्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड एज द इंडेंचर्ड लेबर। अब ऐसा होता है, आपने सुना होगा कि यार वो हमारे दूर के रिश्तेदार हैं, वो दुबई गए हैं नौकरी करने, है ना, उनकी जॉब लग गई है, तो आपको क्या लगता है वहां पे जाकर के क्या वो ऑफिसर बनते हैं, लेबर होते हैं, ठीक है। यहां से पढ़े लिखे लोग भी वहां पे जाके लेबर का ही काम करते हैं। मेरा एक फ्रेंड है, वो भी यहां से गया है, ठीक है, मतलब कि यहां से बुला, अभी नहीं हो गया, साल भर हो गया, तो वो यहाँ पर अच्छा खासा 50-60 रुपए महीना कमा रहा था, ठीक है, 50-60 हजार रुपए महीना कमा रहा था, ठीक है, तो वो किसी MNC में जॉब कर रहा था, लेकिन उसको कीड़ा उठा के भाई हम तो कनाडा जाएंगे, तो अब कनाडा गया है। अब वहां पे वो क्या करता है, ठीक है, अब वहां पे जाके क्या करता है कि हॉस्पिटल के अंदर जो मतलब जैसे वो वाला डिपार्टमेंट होता है ना जहाँ पे बच्चे मतलब की पैदा होने के बाद रखे जाते हैं, तो किसी ने सुजू कर दिया उसका सुजू साफ करता है, किसी ने पोटी कर दिया उसकी पोटी साफ करता है, किसी ने उल्टी कर दी उल्टी साफ करता है, ये काम करता है वो वहां पे जाके। तो कहने का मतलब ये कि अब समझाया क्यों गया है आपको, ये उदाहरण क्यों दिया गया है, क्योंकि इसी को बोलते हैं कि अब मैंने उसे बोला कि तू पागल है, इससे तो यहाँ पे आ जा, यहीं पे काम कर लेता, अच्छा वाला कर रहा था। कहता नहीं भाई, मेरा इंडेंचर्ड कॉन्ट्रैक्ट साइन है। मतलब क्या है इंडेंचर्ड कॉन्ट्रैक्ट, वो होता है जो बॉन्डेड लेबर के साथ होता है। मतलब अगर अब वो वहां से यहां आएगा ना तो उसको उससे भी ज्यादा पैसे देके आने पड़ेंगे जितने पैसे वो देके गया था, तो वो वापसी नहीं आ सकता 2 साल से पहले, समझ में आया। दिस इज नोन एज इंडेंचर्ड लेबर, मतलब जो बॉन्डेड लेबर होती है, बॉन्डेड मतलब जो एक बंधन में बांध के गए हैं, उन्हें बंधन में बांध के लेके गए हैं कि भाई इतने टाइम आपको वहां पे काम करना ही पड़ेगा, समझ में आया। होसे क्या है, ये होसे कई बार आ जाता है, एक नंबर का क्वेश्चन। तो त्रिनिदाद, ठीक है, TNT, ठीक है, त्रिनिदाद के अंदर जो है वो एनुअल मुहर्रम प्रोसेशन जा रहा था। मुहर्रम होती है
ठीक है, उसके अंदर वो मारते हुए ले जाते हैं, ठीक है, मतलब खुद को, ठीक है, तो ऐसे मारते हुए जाते हैं, तो वो प्रोसेशन चालू था, ठीक है, त्रिनिदाद के अंदर, जो कि एक राइटस जो है वो कार्निवल के अंदर जो है वो बदल गया, ठीक है। अब ये मैंने आपको बताया था राइट्स क्या होते हैं, धर्म के नाम पे दंगे, तो दंगे हो गए थे, जिसको होजे कहा गया, ठीक है। इसके अलावा वीटो क्या है, अब वर्ल्ड में ना कुछ कुछ कंट्रीज के पास में वीटो पावर है, ठीक है, और अब हमारे पास भी आने वाली है, हमारे पास मतलब इंडिया के पास भी आने वाली है। अब ये वीटो पावर क्या होती है, वीटो पावर का मतलब ये होता है कि मान लो अगर आज मान लो कि पाकिस्तान मतलब पाकिस्तान से हमारा चलता रहता झगड़ा वगड़ा, आज अगर हमारे पास में वीटो पावर आ जाए ना, तो हम ऐसे बोलेंगे ये पाकिस्तान है ना, खत्म कर दो इसे, ठीक है ना, और पूरा वर्ल्ड को वो मानना पड़ेगा, क्योंकि वीटो पावर का मतलब होता है किसी भी दूसरे की जो पावर चल रही है, ठीक है, किसी भी दूसरे की जो पावर चल रही है, ठीक है, उस पावर को आप ओवर पावर कर सकते हो, ओवर शैडो कर सकते हो, मतलब किसी भी दूसरे ने कोई डिसीजन दिया कंट्री के अंदर तो उसका आप मना कर सकते हो। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, चाइना के पास में वीटो पावर है, और जब चाइना के पास वीटो पावर देना तो बहुत अतराता है वो, क्या करता है, हम उसे कई बार बोलते हैं कि भाई ऐसा है देखो हमारे ऊपर पाकिस्तान कई बार हमला करता है, तो इसका, और हमें यह भी पता है कि कौन करता है, अजहर मसूद, ठीक है, अब हमें मालूम है कि कौन कौन करता है, तो हमने कई बार चाइना को बोला कि एक काम करो भाई, उसको मारने का हुक्म दे दो, क्योंकि जिसके पास वीटो पावर है वो वर्ल्ड में किसी को भी उड़वा सकता है, किसी को भी कहीं से भी उठवा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उसको, मतलब उसको कोई देश रोक नहीं सकता कि हमारी कंट्री में आकर के क्यों कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ठीक है ना, इस तरीके से, तो जो वो कर सकता है। लेकिन अब वो बार बार हमें मना कर देता था, क्यों, क्योंकि वो पाकिस्तान का सपोर्ट देता है, ठीक है, वो पाकिस्तान का साथ देता है, तो अब हमारे पास भी आ जाएगा तो हम भी फिर ऐसे हुक्म चलाएंगे, ठीक है, बस आने वाला है हमारे पास, आ जाएगा इस साल के एंड तक आ जाएगा। टैरिफ, ऐसे खुश हो मिलने वाला आपको, टैरिफ, टैरिफ क्या होता है, तो जब भी कोई सामान एक कंट्री से दूसरी कंट्री क्रॉस बॉर्डर्स जाता है, ठीक है, तो उसके अंदर कुछ टैक्सेस लगते हैं, इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी, ठीक है, उसी को टैरिफ बोलते हैं, ठीक है। एक्सचेंज रेट क्या होता है, एक्सचेंज रेट होता है कि जब भी आपको किसी दूसरे की करेंसी लेनी पड़ती है तो उसके बदले में आपको अपनी करेंसी देनी पड़ेगी, है ना। आज जैसे अगर मुझे डॉलर खरीदना है तो एक डॉलर खरीदने के लिए 80 रुपए देने पड़ेंगे, तो वो एक्सचेंज रेट है, मतलब दूसरी करेंसी को खरीदने के लिए आपको अपनी करेंसी के कितने पैसे देने पड़ते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन ऑलवेज आस्क अस इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।